नमस्कार, आज मैं फिर आई हूँ आपके लिए एक ख़ास पेशकश लेके। वो है मिट्टी के बर्तन में पानी। वैसे तो आप सब लोग पानी जीवन का आधार है, पानी पीते ही होंगे, बट आज मैं आपको बताऊँगी कि एक नई चीज़ में अगर आप पानी को गर्म करके पिएंगे तो पानी का स्वाद और उसकी गुणवत्ता बहुत बढ़ जाएगी और इसका आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप खुद ही बोलेंगे कि हाँ, हर किसी को मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की हांडी में ही पानी को गर्म करके पीना चाहिए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मेरे पास एक ये हांडी है और मिट्टी की हांडी है, और ये देखिए मैंने इसके अंदर पानी जो है ये भरा हुआ है। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि मैं तो अपना खाना, रोटी, सब चीज़ें मिट्टी की हांडी में बनाती हूँ और इवन मैं पानी भी उसी में ही गर्म करती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने दर्शकों को ये बताया जाए कि वो लोग भी मिट्टी की हांडी में ही पानी को गर्म करके पिएं। अब जैसे हमने इसमें पानी भर दिया है मिट्टी की हांडी में, अब मैं गैस का फ्लेम ऑन करूँगी और इसी में ही पानी जो है हम लोग गर्म करके पीते हैं सारा पानी। अब आप देखिए मैं गैस का फ्लेम ऑन कर रही हूँ, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बिकॉज आप इसमें जो पानी का टेस्ट, एक नॉर्मल पानी आप ले लीजिए, उसे एक स्टील के बर्तन में आप जैसे गर्म करते होंगे, एल्युमिनियम के बर्तन में गर्म करते होंगे, जैसे आजकल सर्दियां चल रही हैं तो हर कोई थोड़ा सा कोसा करके पानी पीता है, थोड़ा सा वार्म वाटर पीता है, और अगर आप वही पानी मिट्टी की हांडी में गर्म करके पिएंगे तो उसका स्वाद में बहुत फ़र्क होगा। और दूसरा, अगर हम मिट्टी के बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो वो पानी काफ़ी देर तक गर्म रहता है, जिससे कि हमारी जो गैस की कंजप्शन है वो भी काफ़ी कम होती है, क्योंकि हमने एक बार गर्म कर लिया और वो काफ़ी देर तक गर्म रहता है और पानी भी बहुत सारा इसमें आ जाता है। अगर हम नॉर्मल स्टील के बर्तन में करते हैं पानी, तो थोड़ा सा हमने किया और स्टील आपको पता है, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि स्टील बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। देखिए अब मैंने फ्लेम ऑन की हुई है, पानी हमारा गर्म हो रहा है इसके अंदर, और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ आप मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की हांडी में पानी गर्म ज़रूर कीजिए। देखिए अब पानी हमारा गर्म हो रहा है, आप इसको चेक कर सकते हैं, ये देखिए, और जितना आपको चाहिए आप इसको चेक कर लीजिए पानी को, और इस पानी को आप पीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा है।